सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, आपने ये गाना सुना ही होगा। लेकिन ऐसा ही कुछ नजारा ग्वालियर की एक शादी में देखने को मिला। जब शादी के घर में घर वाले काम में व्यस्त थे, तब शादी के कार्यक्रम में मैरिज गार्डन में सज धज कर पहुंचे एक युवक ने नगदी जेवरात से भरा एक बैग पार कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर के सिरौल थाना क्षेत्र में एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, तभी घर वाले इस समारोह में व्यस्त थे। समारोह में एक अज्ञात युवक गार्डन में घुस आया और कार्यक्रम में आसानी से शामिल हो गया। इसके बाद युवक ने देखा कि सभी शादी में व्यस्त हैं, तो उसने महिलाओं के एक समूह को अपना टारगेट बनाया और कुछ देर उनके पास खड़े रहकर धीमे से एक महिला का लेडीज बैग उठा लिया और तत्काल मैरिज गार्डन से बाहर निकल गया। लेकिन इस अज्ञात शख्स के द्वारा की गई पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब महिला ने अपना बैग देखा तो वह गायब था। इस बात से मैरिज गार्डन में हड़कंप मच गया। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तब घटना का पता चला। एक युवक ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब उसकी तलाश कर रही है। उधर ASP ऋषिकेश मीणा ने लोगों से अपील की है कि शादी घरों में अपने सामान की विशेष सुरक्षा रखें। कल रात की घटना है, सरोल थाना क्षेत्र के एक मैरिज गार्डन से शादी का एक माहौल था, शादी का मतलब एक जो प्रोग्राम है वो चल रहा था। कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही थी और वहीं पास में ही ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ एक जो बैग उनके पास में था, उन्होंने सोफे पर रखा हुआ था। एक लगभग 18 से 20 साल का व्यक्ति काफ़ी देर रैकी करने के बाद में चुपके से उस बैग को उठा के वहाँ से गायब हो गया। बाद में अभी हमारी फरियादियों से कल शाम को भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, अभी थोड़ी देर पहले वो थाने पर पहुँचे। FIR लिखी जा रही है और उसमें प्रयास रहेगा कि उस इस तरीके के जो अगर कोई संगठित ग्रुप है तो उसको पकड़ा जाए और इंडिविजुअल है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को एक मैसेज करना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे माहौल में घर परिवार की व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, लोग बाग थोड़े खुशी के माहौल में भी रहते हैं तो थोड़ी लापरवाही भी कहीं ना कहीं थोड़ी हो जाती है। तो आप सभी लोगों से, ग्वालियर वासियों से आग्रह है कि इस तरीके से जो कैश और जो ज्वेलरी से जिनमें ऐसे बैग होते हैं उनको बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने पास में रखें, अपनी निगरानी में रखें और कोई भी संदिग्ध आदमी अगर मैरिज गार्डन में दिखाई दे रहा है तो तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें ताकि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें।